मुलाकात। आज इस खास मुलाकात में एक दिलचस्प व्यक्ति से आपको मिलाने जा रहा हूं, अमरेंद्र राजेश। किरोरी मल कॉलेज के पढ़े हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। तब तक आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, अम्बेडकरनामा लगातार देखते रहिए और सुनते रहिए, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। लाल की क्लास में आप सबका स्वागत है। अमरेंद्र, स्वागत है अम्बेडकरनामा में। जी धन्यवाद सर। चलिए अमरेंद्र से पहले थोड़ा परिचय करा दूं। मेरे दोस्त भी हैं, छोटे भाई की तरह हैं, जूनियर भी रहे हैं, जाति पाति में नहीं मानते हैं, लेकिन क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ है और छात्र जीवन से ही काफी एक्टिव रहे हैं। जब बीए फर्स्ट ईयर में थे तो दलितों को मंदिर में जाने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था किरोड़ी मल कॉलेज में। तो अब मैं सवाल जब लूंगा तो जरूर पूछूंगा कि तमिलनाडु में जो हुआ है उससे तो अमरेंद्र खुश ही होंगे। इसके अलावा संयोजक कन्वीनर रहे हैं रिजर्वेशन फॉर जनरल, सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण, चलिए वो भी मिल ही गया 10% सुदामा कोटा। दलितों के आरक्षण में कटौती पर लालू जी से भी इनके तकरार रही है, उनको भी उन्होंने सोशल मीडिया पर घेरा है। केंद्र सरकार की नौकरी में कर्पूरी मॉडल की वकालत ये करते हैं और जातिगत जनगणना के पक्ष में तो है, लेकिन साथ ही ये कहना है कि दीर्घ काल में दलितों और अति पिछड़ों को इसका नुकसान होगा, क्योंकि मजबूत पिछड़ों को इसका लाभ होने वाला है। दलित एक्ट का भी इन्होंने समर्थन किया था जब एससी एसटी एक्ट में मामला गड़बड़ हुआ था। और ये है इनका एक संक्षिप्त परिचय। आजकल आरा में है, पटना में है? आरा में हो सर। अच्छा, आरा में। चलिए अमरेंद्र, स्वागत है अम्बेडकरनामा में आपका। बहुत बहुत आभार सर। अम्बेडकरनामा कोई एपिसोड देखा आपने? जी देखा है। अच्छा, कई एपिसोड देखा है और आपको मैंने देखा है। जी जी जी। अच्छा ये बताइए, आप तो दलित को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए 20 साल से ज्यादा पहले आप छात्र जीवन में आंदोलन कर चुके हैं। जो तमिलनाडु में हुई है, गैर ब्राह्मणों की नियुक्ति हुई है मंदिरों में, उसमें आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया ही नहीं है, ये होना चाहिए। और अच्छा। ये विगत मध्यकाल में जो ये पराभव आया और उसमें दलितों के साथ जो नाइंसाफी शुरू हुई, उसके लिए केवल उसके लिए सारे सिस्टम दोषी हैं। और आप सब जानते हैं कि रामायण के रचयिता दलित है, महाभारत के रचयिता दलित है, और नंद वंशा के 2500 साल पहले आप जहां से रहने वाले हैं, मैं जहां का रहने वाला हूं, वहां के सम्राट होते थे दलित। तो ऐसी बात नहीं है कि दलितों की स्थिति खराब, बहुत पहले खराब थी, मध्यकाल से जो शुरू हुई है खराब की स्थिति, और उसके लिए सब हम जिम्मेदार हैं। मैं भी अपने मानता हूं कि हम भी जिम्मेदार हैं, और उन लोगों ने जिन लोगों ने ये इन नीतियों को प्रतिपादित किया और जो सत्ता में रहे, वे सब जिम्मेदार हैं। और रिजर्व सबको मंदिर में पुजारी बनने का उतना ही अधिकार है जितना एक ब्राह्मण को है। चलिए, मैंने तो अभी सोशल मीडिया पे लिखा था कि उत्तर प्रदेश में अगर ये मॉडल लागू होता है तो उसमें राजपूत भी बनेंगे और कायस्थ भी बनेंगे और भूमिहार भी बनेंगे। तो इस मांग का समर्थन आप करते हैं? एकदम मांग समर्थन करते, सबको मिलना चाहिए, राजपूत की बात ही नहीं है। न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। जो अंबेडकर साहब संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते थे, जिसमें ये लिखा है कि हम भारत के लोग हर दृष्टिकोण से, जाति से, धर्म से, वंश के आधार पर, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, उस आधार पर जब सभी लोग बराबर हैं तो पुजारी भी बनना चाहिए, राष्ट्रपति भी बनना चाहिए, सांसद भी बनना चाहिए, सबको सब समान अवसर मिलना चाहिए। चलिए, ये तो एक अवसर का की बात है, लेकिन अगर पुजारी ही बन जाए या राष्ट्रपति भी बन जाए, लेकिन जो सामाजिक ताने बाने हैं, जो ढांचा है, उसमें जमीनी हकीकत कुछ और है। सबसे महत्वपूर्ण है जो मनोवृत्ति है उसको बदलने की जरूरत है। कैसे देखते हैं आप इसको? एकदम बदलने की जरूरत है। और मैं हमेशा ये मैंने कहा कि मैंने किरोड़ी मल कॉलेज में मंदिर आंदोलन नहीं किया था दलितों के लिए। मैं जब अपने गांव में था, और 2000 जनवरी की ये बात है, मैं फर्स्ट ईयर में था, किरोड़ी मल कॉलेज में पढ़ता था, और जब मैं गांव आया और मैंने देखा कि कुछ चोरी हुआ था और दलितों को रोका गया, और हिंदू की सारी अन्य जातियां दलितों को छोड़ रखे। मैं इसीलिए रतनलाल सर बोलता हूं, हमेशा ये बोलता हूं,
कि बहुजन दलितों के साथ नाइंसाफी हुई है और अन्य जो हिंदू जातियां हैं उन लोगों ने भी किया है, केवल कुछ एक जाति है, दो जातियों ने नहीं किया है। तो जब मैंने देखा कि हिंदू की अन्य सारी जातियां इंक्लूडिंग अति पिछड़े जा रहे हैं, अब हिचक जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि ये क्या है, ये तो सरासर नाइंसाफी है। और मैंने उन सारे लोगों को जो आज के दिन में अपने आप को खुद कहते हैं कि सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, वे भी मंदिर जा रहे थे और दलितों को रोक रहे थे, उस जमाने में मैंने रोका था कि नहीं, ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। भगवान राम सबके हैं, मंदिर सबका है, कृष्ण सबके हैं, और ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। और लड़ाई हम लोगों ने लड़ा, और खुशी खुशी की बात है कि अमूमन लगभग वो दौर समाप्ति की ओर है, अब किसी कोई रोक नहीं रहा, लेकिन एक क्षण आया था और मैंने उसका प्रतिकार किया था। नहीं, अभी भी कई बार देखने को मिलता है कि जो घोड़ी पे चढ़ गया उसको उतार दिया, बलात्कार की घटनाएं होती हैं, या मंदिर प्रवेश नहीं, अभी भी ये घटनाएं हो रही। तो ऐसा नहीं कि एकदम मैं सहमत हूँ, अभी भी हो रही है। जो मानसिकता अभी है, मानसिकता है कि हम बड़े हैं और इनके साथ ये हैं, मानसिकता वो हो रही है। लेकिन सर एक और बात है, आपने एक बार लिखा था, मैं तो मान रहा हूं कि आपने एक बार लिखा था कि अंबेडकर साहब को किसी क्षत्रिय ने राजा ने पढ़ाई के लिए भेजा था। याद कीजिए कट्टरपंथी भावनाएं कहां चली गई हैं, आपको लोगों ने ट्रोल किया था, ऐसी स्थिति रही है। मैं कह रहा हूं कि बीपी सिंह आए और उन्होंने अंबेडकर साहब को भारत रत्न दे दिया, बीपी सिंह के देने से अंबेडकर साहब ना महान हो गए ना छोटे हो गए, लेकिन बीपी सिंह ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। मैं वही कह रहा हूं, लालू जी आए 1978 में, आप भी जानते हैं कि जब पिछड़ों को रिजर्वेशन कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया 13% अति पिछड़ों को, 8% पिछड़ों को, 3% सामान्य वर्ग को, 3% महिला को, यानी 27%। और दलितों का रिजर्वेशन उस समय भी 22.5% था। जब बिहार विभाजन हुआ झारखंड का, उसके बाद अब देख लीजिए दलितों का रिजर्वेशन 22.5% से 17% दलित प्लस आदिवासी, अति पिछड़ों का रिजर्वेशन बिहार में 18%, पिछड़ों का रिजर्वेशन 15%। सर ये सब न्याय कहां है? एक मुसहर समुदाय के गांव में चले जाइए और एक राजपूत यादव के गांव में चले जाइए, जमीन आसमान का अंतर है। आप उसको बराबरी पर क्यों ला रहे हैं? मैं मेरा यही है कि जब न्याय हो, अंबेडकर साहब आज होते तो वो भी रोते कि ये दलित, ये आरक्षण के नाम पर कैसी स्थिति हो रही है। आरक्षण सबको मिलना चाहिए। मैंने इसीलिए कहा कि दीर्घ काल में जातिगत जनगणना से सबसे ज्यादा ब्राह्मण समुदाय 5%, मुसहर 3%, और जब जातिगत आधार जनगणना होगी तो 20% के बाद वे सारी राजनीतिक पार्टियां उस मुसहर से ज्यादा ब्राह्मण को खोजेंगी, उस मुसहर से ज्यादा राजपूत को खोजेंगी, क्योंकि ज्यादा आबादी है। यादव तो सबसे ज्यादा लाभान्वित हो गए ही होंगे, लेकिन वो जो सबसे नीचे है, जो स्वर की खोबाड़ी में रह रहा है आज भी, जिसके पास दलितों में, मैं स्कूल चला रहा हूं रतनलाल सर, प्राइवेट स्कूल चला रहा हूं, दलितों का नामांकन अगर किसी दलित का नौकरी नहीं हुई है 5% है, 75% पढ़ रहे हैं पिछड़े, 75% पढ़ रहे हैं, जनरल से भी ज्यादा पढ़ने में आगे हो गए, थम भी है। क्योंकि बिहार में आप जान रहे हैं कि जो बनिया कैटेगरी जिसको मनुस्मृति के नाम पर लोग बोलते हैं, वो सारे लोग ओबीसी में शामिल हो गए हैं। तो जो रियल जहां है, रविदास कम्युनिटी, सारे दलित जिनके पास जो रिजर्वेशन के माध्यम से जो आगे नहीं बढ़ पाए, उनकी स्थिति वही है जो 50 साल पहले थी। इसको रिसर्च करने की जरूरत है, लेकिन चूंकि एक कंसेप्ट आया है कि दलित पिछड़े भाई भाई, तो जहां से मैं बोल रहा हूं आपको, तो वहां 100 बीघा नीतीश कुमार के लोगों का जमीन है, 100 बीघा वे भी हो गए बहुजन, और जो सुअर की खुबाड़ी में रह रहा वो भी हो गया बहुजन। तो सर ये तो मैं यही कह रहा हूं कि रियल बिनेफिट किसको मिलना चाहिए, वोट के कारण वो समुदाय। मैं कह रहा हूं कि क्या किन किन जातियों के घर में दलितों के लिए अलग थाली हुआ करती थी, सत्य बोलने का मादा होना चाहिए, राजपूतों के घर में हुआ करती थी, लेकिन क्या यादव भाइयों के घर में नहीं हुआ करती थी? क्या कुर्मी के घर में नहीं हुआ करती थी? क्या कुशवाहा के घर में नहीं हुआ करती थी? हुआ करता था, लेकिन वोट बैंक के कारण वो समुदाय जो सबसे पीछे रह गया, आज रतनलाल सर को रिजर्वेशन नहीं मिलता तो रतनलाल सर भी वही रहे होते।
बिना रिजर्वेशन को देख लीजिए दलितों की स्थिति क्या है, रिसर्च किया जाए। आइए आप भी दिल्ली से, मैं भी चल रहा हूं, एक महीना समय दिया जाए, रिसर्च कर लिया जाए कि मैं भी रिसर्च कर रहा हूं, डेटा निकाल रहा हूं कि किस गांव में दलितों की स्थिति है। और जो दलित जिसको रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरी नहीं मिला है उसकी स्थिति क्या है, और वो पिछड़े और वो सामान्य वर्ग जिनको रिजर्वेशन से नौकरी नहीं मिला है उनकी स्थिति क्या है, 50 गुना अंतर है सर। चलिए, मैंने वो जो लिखा था अंबेडकर साहब को लेकर उसका संदर्भ अलग था, मैं शासक वर्ग के संदर्भ में लिखा था, लेकिन लोगों ने उस बात को समझा नहीं, वो जानबूझ के टीज करने के लिए, क्योंकि उस समय आप उत्तर प्रदेश में काफी हमला वगैरह हो रहा था, उस संदर्भ कुछ और था। बहरा चलिए, आप जमीनी कार्यकर्ता है, स्कूल चला रहे हैं, एक बार बताइए अमरेंद्र, दलितों पे अगर राय मशवरा करना हो तो टीवी चैनल पे चाहे सभाओं में बड़े बड़े विद्वान लोग आ जाते हैं और दलितों के सभाओं में जाकर भी भाषण देते हैं, लेकिन क्या यही विद्वान लोग अपने अपने समुदायों में जाकर अगर भाषण दे रहे, भाई तू बीमार है तबीयत तो उसी का ठीक कराना है, इलाज तो उसी का कराना है, तो अपने अपने समुदायों में जाकर भाषण दे तो थोड़ा सा सेंसिटिविटी बढ़ेगा नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। भूमियार अपने जाके भूमियार कम्युनिटी में भाषण दे, राजपूत राजपूत कम्युनिटी में दे, कास्ट कास्ट कम्युनिटी में दे, ब्राह्मण जाके ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, तो डेमोक्रेटाइज तो उन जातियों को होना है, चाहे यादव जाकर अपने कोई, लेकिन वहां उम्मन देखा जाता है कि वहां इस तरह का कार्यक्रम नहीं होता है, वहां दूसरे तरह का कार्यक्रम होता है, तो इसलिए जिस लेवल पे सेंसिटिविटी बढ़नी चाहिए उस लेवल पे सेंसिटिविटी नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं इंडिविजुअल बेसिस पे बात कर रहे हैं, समुदाय के बेसिस पे वो सेंसिटिविटी किसी समुदाय में अभी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। सहमत हूँ, इसीलिए सर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब दलित एक्ट के मुद्दे पर हमारा सोशल मीडिया देख लीजिएगा, दलित एक्ट के मुद्दे पर जब कथित सामान्य वर्ग के युवा, खासकर हमारी जाति, मैं जाति उस समय जब लोग विरोध कर रहे थे तो मैं हमेशा कह रहा था कि विरोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो रियल में स्थिति उनकी बुरी है, जमीन पर आज भी बुरी है। मैंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के समय रिजर्वेशन दलितों का 22.5%, अब हो गया 17%, अति पिछड़ों का रिजर्वेशन 18%, 13 से 18, अब पिछड़ों का 8 से 15, यानी दुगना, दलितों का सबसे कम, अति पिछड़ों का 1.5 गुना बढ़ा और पिछड़ों का 2 गुना बढ़ा। कहां है वो रिजर्वेशन? सामान्य वर्ग तो आया है ना, हम भी कह रहे हैं कि अगर सामान्य वर्ग में 10-20 साल के बाद ये रिसर्च होना चाहिए कि सामान्य वर्ग की कौन सी जाति खा रही है रिजर्वेशन। अगर समय ये नहीं कि 10% केवल राजपूत खा जाए और किसी को नहीं मिले, तो हम विरोध सबसे सबसे पहले होंगे जो विरोध करेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि ब्राह्मण 10% का सबसे ज्यादा खा जाए, हम होंगे विरोध करेंगे, क्योंकि वो 10% मिला है आपके गरीब नौजवानों के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए कि जिन दलितों के लिए आरक्षण की शुरुआत हुई उनको उनका रिजर्वेशन खत्म किया जाए। मैं तमिलनाडु मॉडल की बात कर रहा हूं सर, मात्र 69% रिजर्वेशन है, 17% मात्र 16% रिजर्वेशन है दलितों का, 53% है पिछड़ों का रिजर्वेशन। किसके लिए रिजर्वेशन शुरू हुआ? वहां दलित नेतृत्व तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। बिहार में आप देख लीजिए सारे नेतृत्व तो खत्म हो गए, मायावती को खत्म करने की साजिश हो रही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं मायावती के समर्थक हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर सामाजिक न्याय की कसौटी है तो दलितों से शुरू होनी चाहिए, आदिवासियों से शुरू होनी चाहिए, उसके बाद कोई सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं है। मैं ऐतिहासिक संदर्भ देना चाहता हूं सर, नंद वंश पूरे कम्युनिस्ट इतिहासकार मानते हैं कि एक नीची जाति के थे, आज के 2500 साल पहले उनको किसने हराया? चंद्रगुप्त ने, मौर्य ने। पूरा बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य उनको क्षत्रिय मानता है, ब्राह्मण साहित्य उनको नीची जाति का मानता है, हम बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को लेकर के चल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज कैसे हो गए पिछड़े कैसे हो गए? नंद वंश वालों का क्या हुआ भाई? ऋग्वेद में राजा रघु का भी जिक्र है और राजा यदु का भी जिक्र है, उसी यदु से सरनेम यादव निकला है। आप एक तरफ क्षत्रिय सरनेम यादव भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम हजारों साल से पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं। अरे हजारों साल से वंचित है दलित, और अति पिछड़े भी मैं मान रहा हूं, सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं है लेकिन आर्थिक रूप से वो जरूर पिछड़े हैं, उनके पास न जमीन है, न नेतृत्व है, न संगठन है।
लेकिन वह समुदाय जिसकी आबादी 15 अब हरियाणा के जाट कहें कि हम पिछड़े हैं, केंद्र सरकार उनको पिछड़ा मान रही है, और वो कहें कि हम उनका कबीलाई नेतृत्व तो कहे जो आदेश कर रहा हो कि हम एक इस खाप के नेता हैं और इस खाप के लोगों को आदेश दिया जाता है, कम से कम जिसका सबसे ज्यादा विरोध अंबेडकर साहब कर रहे थे, तो वो किन जातियों में भी रह गई है। अब ये कह रहे हैं कि हम हाशिए पर हैं, हम पीड़ित हैं। तो मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि हाशिए और पीड़ित का जो राजनीतिकरण हुआ है वह उससे सबसे ज्यादा नुकसान दलितों को ही होगा। आप देख लीजिएगा, दलित नेतृत्व, दलित के बच्चे रामविलास पासवान का विरोध कर रहे हैं, दलित के लड़के मायावती का विरोध कर रहे हैं, लेकिन लालू जी के लड़के लालू जी का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो एकदम उसी तरह संगठित हैं अपने नेतृत्व के लिए। ये कहां चला गया? ये मिलाने की बात है। क्यों वो क्यों है? लालू जी के लोग मायावती जी को समर्थन क्यों नहीं दे रहे? एक बार तो दे दीजिए, एक बार तो कहिए कि हमारी नेता मायावती, हम तो कथित हो गए शोषक, हम लोगों को शोषक कहा जा रहा है, तो आप तो दे दीजिए मायावती जी को समर्थन, आप तो दे दीजिए चिराग पासवान जी को, आप तो दे दीजिए मांझी जी को, सबसे ज्यादा हाशिए पर पड़ा हुआ समुदाय है, इनकी आज भी आबादी उनके घर के पास 5 मिनट नहीं ठहर सकती है सर। तो मैं कह रहा हूं कि सारे लोग आए और बिहार का रिसर्च करें कि क्या दलितों की स्थिति है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो अपने ग्रुप सब में भी शेयर करेंगे और उससे प्रतिक्रिया देखना दिलचस्प होगा कि लोग किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। बहरहाल, एक मुद्दा लगातार हम लोग उठा रहे थे और आपने देखा भी होगा कि जाति जनगणना, ब्राह्मणों का ही पूरा जनगणना हो और कितने इंडस्ट्री, कितने जमीन, कितने संसाधन किसके पास है, सारे आंकड़े आने चाहिए, तभी तो इंसाफ की बात होगी। किसके पास क्या है तभी इंसाफ की बात होगी। अब देख लीजिए, रिजर्वेशन से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, डॉक्टर अंबेडकर भी कह रहे थे, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन है, ये गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं। तो जब तक ये, अगर गरीबी और इस तरह का पूरा जो माहौल अभी भी बना हुआ आजादी के 70 साल बाद, तो इसके लिए जो सोशियो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज है, पॉलिटिकल पॉलिसीज है, मुझे लगता है वो बहुत हद तक जिम्मेदार है। अगर ब्राह्मण अगर गरीब है या राजपूत गरीब है, तो राजपूत या ब्राह्मण होने की वजह से गरीब नहीं है। जो सरकार की नीतियां हैं, मैं जिस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ उस पॉइंट पे, कि निजीकरण, अबाध निजीकरण हो रहा है, तो इसमें तो हर तरह की जो न्याय की बात है वो तो सीधा मुनाफा अडानी अंबानी के घर में ही जाना है। तो जब तक इसमें अंकुश नहीं लगेगा एक तरह से, और कॉरपोरेट घरानों की लूट जारी रहेगी, तो न्याय कैसे होगा? अब सर, इसमें तो ये बात आपकी सही है कि जो पूंजीवाद का जो उच्चतम स्तर है वो जब भी छूता है तो कुछ लोग लाभान्वित होते हैं। लेकिन डेटा हम लोग को देखना चाहिए कि 1950 से 1991 जब आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, उसके बाद देख लीजिए कि हमारा जीडीपी कितना था, मात्र 2% हम लोग आगे बढ़ रहे थे, और गाँव की बिहार की सारे लोगों का पलायन हो रहा था। तो मुद्दा ये है कि क्या उस साम्यवाद ने जो सोवियत संघ में शुरू हुआ 1917 में, और जो चीन ने जो 1978 में खुद को भारत से पहले उसने आर्थिक उदारीकरण शुरू कर दिया, उसकी नीतियां सारी पूंजीवादी हो गई हैं। भले कम्युनिस्ट पार्टी का एक राजनीतिक शासन हुआ है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में वो सारी चीजें भारत से 13 साल पहले उसने आर्थिक उदारीकरण शुरू किया। तो मैं कह रहा हूं कि इसका लाभ में देखने की जरूरत है, कितने राजपूत उद्योगपति बने, नहीं बने। मैं ये कह रहा हूं कि कितने दलित बन पा रहे हैं, एकदम नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन इसका आखिर मानव समाज इसका हल निकाले तो कैसे निकाले? अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया उसके मूल अधिकार में संपत्ति का भी अधिकार था, जिसको इंदिरा गांधी ने खत्म किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारत का जो संविधान है वह हम लोगों को अंबेडकर साहब के दृष्टिकोण से, इंदिरा गांधी के दृष्टिकोण से नहीं, संपत्ति रखने का भी अधिकार देता था और बहुत सारी चीजें उसमें थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को चाहिए कि पॉलिसी इस तरह से बनाए जिसका अधिकतम हिस्सा उन लोगों को भी मिले जिन लोगों को नहीं मिल पाया है। चौथी चीज मैं कह रहा हूं कि ये बात सही है कि रिजर्वेशन आर्थिक ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का सवाल है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र है,
एक भी विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां से दलितों का प्रतिनिधित्व मिल रहा। रिजर्वेशन तो छोड़ दीजिए, रिजर्वेशन तो संविधान ने दिया है उनको। एक भी बता दीजिए जनरल सीट पर कहीं मिला हो। लालू जी ने अपनी जाति को लगभग 65% रिजर्वेशन दिया, अपनी जाति जितने टिकट दे रहे हैं लालू जी अपने जाति के लोगों को दे रहे हैं। क्या अंबेडकर साहब खुश होते हैं इससे? 65% अपनी जाति को दे देना और एक भी दलित को सामान्य सीट से लाया नहीं जा रहा। क्यों नहीं लाया जा रहा? जब तक दलितों को सामान्य सीट नहीं मिलेगा, अति पिछड़ों की भी वही स्थिति है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जातिगत जनगणना से राजपूतों को उतना नुकसान नहीं होगा जितना दीर्घ काल में अति पिछड़ों को और दलितों को होगा, क्योंकि ये जातिगत जब जनगणना होगी 20 साल के बाद अति पिछड़ा पिछड़ा दलित कंसेप्ट खत्म होगा और जातिगत कंसेप्ट बढ़ेगा और सारी राजनीतिक पार्टियों को लगेगा कि ये 3% है, ये 2% है, ये 1.5% है, ये 4% है, इनको हाशिए पर रखो और जो 7-8% है उनको आगे करो। और ये जो दलितों को क्यों, दलित क्यों मजबूत हुए, क्योंकि कई 2-3 दर्जन जातियों का मिलकर एक समूह बना है। अगर ये लोग अलग अलग जातियों में विभक्त हुए होते तो इनको ये अधिकार भी नहीं मिल पाता। और यही होगा 20 साल के बाद, जो मेरी सोच है, जो मेरी जितना मैं समझ रहा हूं राजनीति को, ये यही स्थिति होगी जातिगत जनगणना के बाद। सारे अति पिछड़े जो नेतृत्व है अति पिछड़ों को सबसे ज्यादा लाभान्वित यादव होंगे, राजपूत होंगे, भूमिहार होंगे, ब्राह्मण होंगे, कुर्मी होंगे, कुशवाहा होंगे, ये जो मजबूत जातियां हैं ये भी होंगी। और मैं कह रहा हूं कि क्या आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय ये है कि मुसहर 3%, अगर राजपूत 5%, राजपूत और मुसहर में बराबरी है क्या? मुसहर और यादव में बराबरी है क्या? मुसहर और कुर्मी में बराबरी है क्या? मुसहर और कुशवाहा में बराबरी है क्या? मुसहर और वो वैश्य समाज में बराबरी है क्या? जिनके पास, जिनके तकिया के नीचे 1 करोड़ रुपए छुपा रहता है उनमें बराबरी है क्या? मंडल कमीशन ने तो उनको पिछड़ा मान लिया, लेकिन क्या रियल में बराबरी है क्या? बराबरी नहीं है। और रिजर्वेशन भी कोटा कम होते जा रहा है और दलितों का रिजर्वेशन कोटा बढ़ेगा भी नहीं। ये जातिगत जनगणना से केवल ओबीसी का बढ़ेगा और ओबीसी में वो जातियां सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगी जिनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है, वो लाभान्वित होंगी। और जो सबसे नीचे की जाति है वो इस बहुत बहुसंख्यकवाद में धीरे धीरे 20 साल के बाद पिछड़ जाएंगे और उन जातियों को लोग 20 साल के बाद, 15 साल के बाद, 25 साल के बाद, ठीक वही देख लीजिए जो आजादी के बाद जो दलितों का उन्मुखीकरण चल रहा था, आप देख लीजिए दलितों का ढलान चल रहा। क्यों चल रहा? क्योंकि लोगों को लगता है कि दलित मात्र 18% है, 16% है। सबसे ज्यादा फोकस पिछड़े वर्ग पर है, कथित पिछड़े वर्ग, मैं ये कह रहा हूं इसलिए कि दिखाया जा रहा है कि 52% है। तो जो जिसकी संख्या होगी उस पर चला जाएगा और सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? सबसे ज्यादा नुकसान, मैं आज भी कह रहा हूं, सामान्य वर्ग की उन जातियों को होगा जो सुप्रीम कोर्ट के लगभग 90% जज बने हुए हैं। ब्राह्मण समुदाय को भी होने वाला है, लेकिन अब राजपूत समाज को उतना नुकसान होने वाला नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आजादी से लेकर के देख लीजिए तो 2% भी जज अभी राजपूत समाज के नहीं बन पाए, 2% नहीं बन पाए। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान मैं आज भी कह रहा हूं कि दलितों को और अति पिछड़ों को भी, जो छोटी छोटी जातियां हैं जिनकी आबादी 0.5% है, 0.5%, 1%, उनकी है और उनके नाम पर ये कथित दबंग पिछड़े लाभ लेंगे, हमारी ये शुरू से मानना है। अमरेंद्र, जाहिर है कि उम्मीद करते हैं कि आप अपने यहां से जाति उन्मूलन प्रोग्राम शुरू करेंगे और आपका काम कर भी रहे हो, लेकिन मोदी जी आरएसएस प्रायोजित सरकार है जो कि स्वदेशी और जागरण और तमाम चलाती थी, लेकिन सबसे ज्यादा बिकवाली जो है बेच यही रहे, एयरपोर्ट, रेल, सब जगह निजीकरण ही हो रहा है। तो सब निजीकरण होगा तो क्या निजी सेक्टर में आप प्रतिनिधित्व के सवाल पे आपकी क्या ओपिनियन? हाँ, एकदम ओपिनियन है, होना चाहिए, होना चाहिए। मैं स्कूल चला रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि रियल स्थिति क्या है और सबसे ज्यादा लाभान्वित ओबीसी है, होना चाहिए, उनको प्रतिनिधित्व तो मिल रहा है। 10 साल में देखिएगा, 10 साल में बगैर आरक्षण के हुए सबसे ज्यादा अपने अधिकतम हिस्सेदारी को ले लेंगे। अभी उन लोगों ने लेना शुरू कर दिया, देख लीजिए सिविल सेवा, सामान्य वर्ग का कट ऑफ मार्क्स देख लीजिए कम आ रहा है, ओबीसी का कट ऑफ मार्क्स ज्यादा आ रहा है। मैं देख रहा हूं कि जमीन पर सबसे ज्यादा कौन पढ़ रहा है,
वो मुसार समुदाय के लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा निर्धन है बेचारे आज भी। और दलितों के बच्चे सबसे ज्यादा आज भी नहीं पढ़ रहे हैं, 5% उनका नामांकन हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में। अगर उनके घर का कोई व्यक्ति जिनको रोजगार नहीं मिला हुआ है नौकरी, उनकी स्थिति बहुत खराब है। तो मैं कह रहा हूं कि हो, क्योंकि 10 साल के बाद ओबीसी का प्रतिनिधित्व तो किसी भी सेक्टर में उनकी आबादी की अपेक्षा ज्यादा ही होने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। रिजर्वेशन हो, मैं कह ही रहा हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो दलितों को और अति पिछड़ों को होगा। मंडल कमीशन में हम लोग कर्पूरी ठाकुर की मांग करते, कर्पूरी मॉडल की मांग करते रहे। इंडियन एक्सप्रेस का आया था 2018 में कि 2580 जातियां जो मंडल कमीशन में पिछड़े वर्ग में लिस्टेड हैं, उन्हें मात्र 10 जातियां ऐसी हैं जिन्होंने 25% रिजर्वेशन का उपयोग किया है। आप बिहार में देख लीजिए 30 साल में कौन कितना सिपाही बना है, किसने कितना जमीन खरीदा है। आप जाकर के मैं पूरे सामाजिक जितने भी भारत के रिसर्चर हैं उनको चुनौती देकर के कह रहा हूं कि विगत 40 साल में सबसे ज्यादा जमीन दबंग पिछड़ों ने खरीदा है रजिस्ट्री ऑफिस का, आरटीआई से मांग लिया जाए, और सबसे ज्यादा बेचा है कथित सामान्य वर्ग ने। दलित जो नौकरी नहीं कर रहा उसकी तो हैसियत ही नहीं घर बनाने के लिए, वो तो 2 डिसमिल के लिए तरस रहा है कि हमको 2 डिसमिल कैसे जमीन मिल जाए। सामान्य वर्ग को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि हम बिहार में जो कथित जो सवर्ण जातियां कहती हैं सबसे ज्यादा खराब हालत राजपूतों की है, उनकी जमीन और ट्रक भी खरीदा गए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हम सवर्ण कैसे हैं, मैंने कहा ऋग्वेद का उदाहरण दिया, मैं कोई ऐसी पौराणिक महाकाव्यों का उदाहरण नहीं दे रहा हूं जो ऐतिहासिक है, जो लोग मानते हैं कि उनमें यह है। ऋग्वेद में रघु और यदु का जिक्र है, तो रघु वाले कैसे हो गए सवर्ण, यदु वाले कैसे हो गए अवर्ण, वो कैसे हो गए हाशिए पर, वो कैसे हो गए पीड़ित, वो कैसे हो गए। कुछ जातियां मध्य काल में मजबूत हुई है, जैसे मुसलमान मजबूत हुए 1192 के बाद, कोई राजपूत तो भारत का राजा रहा नहीं है, मुसलमान रहा, केंद्रीय शक्ति तो राजपूत रहे नहीं है। 1192 के बाद 800 साल से कोई राजपूत भारत का राजा नहीं रहा है केंद्रीय शक्ति के रूप में, छोटे छोटे सामंत रहे हैं, छोटे छोटे रजवाड़े भले रहे हों, लेकिन 800 साल मुसलमानों की रही है, मुसलमानों की देख लीजिए बहुत बुरी स्थिति हो गई है। तो उस आधार पर कुछ जातियां जो 2000 साल पहले क्लेम करती थी कि हम बहुत, आप देखिए फैशन क्या है, सामाजिक मंच पर खुद को क्षत्रिय के रूप में प्रस्तुत करेंगे, और राजनीतिक मंच पर जाएंगे तो कहेंगे कि सबसे ज्यादा हम पीड़ित हैं, शोषित हैं, हाशिए पर हैं, पिछड़े हैं, हम ही सबसे हैं। अब फिर चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज भी बन जाएंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य को तो बौद्ध और जैन साहित्य क्षत्रिय मानता है, तो क्षत्रिय कब से पीड़ित होने लगा, क्षत्रिय कब से पीड़ित होने लगा, क्षत्रिय कब से शोषित होने लगा, कब से होने लगा, सामाजिक रूप से तो नहीं है, आर्थिक रूप से हो सकता है, शैक्षणिक रूप से हो सकता है, लेकिन जो सामाजिक रूप जो सबसे आरक्षण का सबसे ज्यादा जो कंसेप्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर है, तो जो भाई आर्य क्षत्रिय यदु के वंशज है वो सामाजिक रूप से पिछड़े कैसे हो गए, कुछ नहीं, क्योंकि मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन ने कह दिया फलाना जाति पिछड़े में, फलाना जाति जगह में। अब मोदी सर योगी सरकार कह रही है, एक तो सवाल है ना कि यादवों को भी आप लोग जन्म नहीं पहनने देते थे, पीठ दाग दिए थे, पता है कि मैं ये कह रहा हूं कि यादव, मैं ये लालू जी मैं नहीं कह रहा हूं, लालू जी स्वयं को कहते हैं यदुवंशी, तो यदु के पुत्र हो गए, यदु के वंशज हो गए, लालू जी स्वयं को बोलते हैं कृष्णवंशी। जिस समुदाय ने भारत में कृष्ण भगवान पैदा किया उसको जनेऊ कौन रोक सकता है, 50 साल में तो अलग बात है, वो तो भूमिहार भी नहीं मानता है बिहार का कैमरा टू से पिछड़े हैं। पता है ना इतिहास का छात्र 1920 के दशक में बड़ा आंदोलन हुआ था, इनका पीठ यादवों का पीठ दाग दिया था ब्राह्मणों ने। मैं ये कह रहा हूँ कि 100 साल में ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो कह रहे हैं कि 1000 साल में, तो 1000 साल में तो भगवान कृष्ण उनके यहाँ पैदा हुए, भगवान कृष्ण पैदा हुए जो क्षत्रिय थे, यदु पैदा हुए, तो कहें ना कि 100 साल में हमारी गरीबी हुई है, वो कहें कि 100 साल में हमारे साथ ना इंसाफी हुई है, वो 1000 साल की उनकी दास्तां नहीं है,
वो 100 साल 200 साल में आप देख लीजिए, बिहार के देख लीजिए 1931 में कौन कितना आजादी के पहले जमींदार था, सबसे ज्यादा जमींदार ब्राह्मण भूमिहार कायस चौथे स्थान पर राजपूत है, चौथे स्थान पर भूमि राजपूत रहा है जमींदारी के मामले में, मुसलमान भी रहे हैं उनके साथ, यादव भी जमींदार रहे हैं, यादव छठे नंबर पर है, राजपूत फर्स्ट पोजीशन पर नहीं है, लेकिन उदाहरण है कि राजपूत राजा हुआ करता था। उम्मीद करते हैं कि आप मंदिरों में राजपूत पुजारी बनाने का आंदोलन जरूर करेंगे। हम ये चाहते हैं कि मंदिरों में हर उस व्यक्ति को पुजारी बनने का अधिकार है जिसके पास योग्यता है, हर उस मंदिर में। हम उस डीएमके की तरह नहीं है, डीएमके ने एक फैसला अच्छा किया कि वहां तमिल भाषा में भी पूजा पाठ होगी। मैं हमेशा लिखता रहा हूं, मैं इसीलिए हिंदी भाषा का प्रबल समर्थक रहा हूं और मैं कहता हूं कि हिंदी के न होने से सबसे ज्यादा नुकसान दलितों और अति पिछड़ों को उठाना पड़ा है सबसे ज्यादा, क्योंकि गांव में वही रह रहे हैं और उनको उस भाषा में वो पारंगत नहीं हो पा रहे हैं जो भाषा उनके यहां बोली नहीं जा रही है। तो मैं ये कह रहा हूं, लेकिन डीएमके वही मस्जिदों में नहीं कह रही है कि आपकी आपकी जो नमाज होगी या अल्लाह के प्रति जो आपकी माने प्रार्थना होगी वो अरबी में नहीं होनी चाहिए, तमिल में होनी चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हिंदी को आगे लाने की जरूरत है और हिंदी में पूजा पाठ हो, और तमिलनाडु में भी हिंदू तमिल में करें और मुसलमान भी तमिल में करें। ये नहीं कि मुस्लिमों के लिए अरबी छोड़ दीजिए और हिंदुओं के लिए तमिल लागू कर दीजिए, ये नहीं होना चाहिए। दोहरा माप नहीं। जी शुक्रिया राजेश, आपसे दिलचस्प चर्चा, लगातार हम लोग आगे भी करते रहेंगे विभिन्न मुद्दों पर, और आप बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो ये मान लिया जाए, एक तो जाति जनगणना का आप समर्थन करते हैं लेकिन उसका नुकसान दलितों को ज्यादा होगा, जो कमजोर जातियां उसको ज्यादा होगा, ये आपकी राय है, पिछड़ों को भी होगा। जी चलिए शुक्रिया राजेश। तो ये राजेश मेरे कॉलेज के जूनियर भी रहे हैं, दोस्त भी हैं, और लगातार इनसे बातचीत हमारी होती रहती है, तो इनका पक्ष भी जानना जरूरी था। आप देखते रहिए अंबेडकर नामा अमृत जी, आप अपने समाज में जरा शेयर कर दीजिएगा, जरा राजपूत लोगों की प्रतिक्रिया देखनी जरूरी है, इसमें क्या प्रतिक्रिया है, और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर अमृत की बातों को घर घर तक पहुंचाइए, बहुत ही गंभीर सवाल इन्होंने उठाया है। शुक्रिया वॉचिंग जी, बोल दीजिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि राजपूत सबसे ज्यादा देख लीजिए, दो प्रधानमंत्री बने हैं राजपूत समुदाय से, बीपी सिंह और चंद्रशेखर, जिन दोनों ने अपने पुत्रों को जब तक वे जीवित रहे तब तक पुत्रों को राजनीति में नहीं आने दिया। तो ये भी पक्ष आना चाहिए कि कौन से लोग आ रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर का भी एक पक्ष आना चाहिए, कौन से वे लोग आ रहे हैं जो दलितों को अति पिछड़ों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, अपने राजपुत्रों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये भी पक्ष आना चाहिए। सर सामाजिक न्याय की परिभाषा पर बहस होनी चाहिए, और वो भी बहस होनी चाहिए कि बीपी सिंह जब तक जीवित रहे उनके बेटे क्या करते रहे, जब तक चंद्रशेखर जीवित रहे तब तक उनके बेटे क्या करते रहे, और लालू जी क्या करते रहे अपने बेटों के लिए, मुलायम सिंह जी क्या कर रहे हैं, ये भी होना चाहिए। जैसे काशीराम ने उसमें बहस होगी, हम लोग लगातार बातचीत चाहिए, कौन कितना सामाजिक न्याय का पहरेदार है उस पर बहस होनी चाहिए। सामाजिक न्याय को लेकर जो वर्तमान भाजपा सरकार है इसको आप कितना नंबर देंगे? मैं आप भी जानते हैं कि न मैं भाजपा का कभी मेंबर रहा हूं और न भाजपा वाले जाने, मैं हमेशा ये मानता हूं कि सामाजिक न्याय के जो खुद सबसे बड़े पहरेदार हैं उनको सबसे पहले आना चाहिए। जैसे अंबेडकर ने अपने पुत्रों को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, काशीराम ने अपने पुत्रों या अपने परिवार के लोगों को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, वो कर्पूरी ठाकुर ने अपने पुत्र और अपने परिवार के लोगों को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, राजनीति में वही से राजतंत्र शुरू होता है। तो ये जो खुद को सबसे बड़ा सामाजिक पहरेदार मान रहे हैं वे अपने बेटों को ही क्यों अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं, किसी गरीब गांव मजदूर के बेटे को क्यों नहीं बना रहे? चलिए शुक्रिया। तब तक दोस्तों आप अंबेडकर नामा देखिए, अमरेंद्र बहुत ही गंभीर रहते हैं बहुत सारे मुद्दों को लेकर, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा। आपसे फिर मुलाकात होती है अगले एपिसोड।